अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों के बाद आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक बैक टू आवर वर्क, आज हम रीडिंग करेंगे उर्दू की, क्योंकि आज है हमारी उर्दू की क्लास। और अपनी सब अपनी बुक ओपन करें, कारवाने उर्दू मेरे साथ, पेज नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर 13 आप सब ने ओपन करना है। और आज हम करेंगे चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद की बुलंद ख्वानी, तो आप सब ने मेरे साथ करना है। प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा वतन पाकिस्तान हूँ। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद है चैप्टर का नाम, और यहाँ पे आपको पाकिस्तान जो है वो अपनी कहानी सुनाएगा। आप सब जानते हैं, जैसा कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, तो आइए चले हम पढ़ते हैं इसकी कहानी। मैं 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। मुझे बनाने के लिए आपके बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और ऐसे बहुत से बड़े लोगों ने मुझे हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की। ठीक है, आप सब जानते हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए कितनी जदोजहद की। मोहम्मद अली जिना जो कि हमारे बानी थे पाकिस्तान के सबसे पहले, और अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने, बड़े लोगों ने जदोजहद करके इस पाकिस्तान को हासिल किया। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हसीन मुल्क है, और इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हरे भरे खेत खलियान भी हैं। दरिया और समंदर भी हैं। सहरा और फलों के बागात भी हैं। बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे छोटे गांव भी हैं। तो पाकिस्तान में आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आप लोग कभी गए होंगे स्वात वगैरह, वहाँ पे कितने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हरे भरे खेत भी होते हैं, दरिया हैं, समंदर हैं पाकिस्तान में, और फलों के बहुत से बागात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे छोटे गांव भी हैं। पेज नंबर 14, मेरे 4 सूबे हैं जिनके नाम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और अब 5 हो चुके हैं। आप लोग जानते हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान भी एक और सूबा जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके भी हैं। मुझे दुनिया भर में एटमी कुव्वत के हवाले से भी पहचाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब एटमी ताकत भी है पाकिस्तान के पास, तो वो दुनिया भर में एटमी कुव्वत के हवाले से भी जाना पहचाना जाता है। आपके बुज़ुर्गों ने मुझे तरक्की देने के लिए बहुत मेहनत की। अब आप मेरा मुस्तकबिल हैं। अगर आप सब मिलजुल कर रहेंगे, खूब पढ़ लिख कर मुझे तरक्की देंगे, तो मैं बहुत खुश रहूँगा। मैं भी आपका नाम रोशन करूँगा, क्योंकि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आप मेरी पहचान हैं और मैं आपकी पहचान हूँ। तो आइए सब मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बच्चा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का ये चैप्टर बहुत मज़े से जो है मज़े ले लेके आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझ आया होगा। तो ये था हमारा पाकिस्तान, जिसकी तरक्की और हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की और जदोजहद की, और उसी से हमें ये पाकिस्तान मुल्क आज़ाद मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको भी चाहिए कि अच्छे काम करें, ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें और एक सच्चा और ईमानदार शहरी और वो बने, पाकिस्तानी बने। ठीक है, चलिए, आप सब ने इसकी रीडिंग करनी है, बुलंद ख्वानी करनी है, और इसका टाइटल पेज कॉपी में बनाना है। चलें बच्चे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।